हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन करने वाले हैं। उस कंसेप्ट का नाम है कॉनकेविटी ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की कॉनकेविटी के बारे में आप क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ में कैसे यूज होता है, कुल मिला के IIT JEE मेन्स प्लस एडवांस में कॉनकेविटी का जितना एप्लीकेशन होता है वो पूरा आज अपन समझने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कॉनकेविटी ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ आता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कॉनकेव अपवर्ड्स है, कैसे पता कर सकते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। जी हाँ, हम डेफिनेशन ऑफ कॉनकेविटी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड की डेफिनेशन क्या होती है इसके बाद पढ़ेंगे। पहले टॉपिक अपन ये देखेंगे जो हमारे सबसे काम में आता है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ बना हुआ है तो उस ग्राफ को देख के मैं कैसे ये जज कर सकता हूँ कि ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स है कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो हमारे पास जो ग्राफ बना होता है वही कॉनकेव अपवर्ड्स हो सकता है और जो ग्राफ बना होता है वो कॉनकेव डाउनवर्ड हो सकता है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई जो भी ग्राफ हमारे पास बना है वो कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउन है? बहुत ही आसान सा तरीका होता है। अगर हम कॉनकेव अप का ग्राफ देखें तो बेसिकली यू टाइप से ग्राफ होता है और कॉनकेव डाउनवर्ड का जो है वो उल्टा यू टाइप से होता है। ये तो अपन को देख के ही समझ में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है पूरा यू बना ही नहीं है, थोड़ा सा उसका पार्ट बना हुआ है। अब इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो इसकी बहुत ही बेसिक से तरीका हम इसको डिफाइन करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स है कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सस्ता तरीका, बहुत ही आसान तरीका। अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, आप कहीं भी पूरे ग्राफ में कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आपने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ जो उस टेंजेंट के ऊपर है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया? कॉनकेव अपवर्ड। अगर हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड है, आप उसमें कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, पूरा का पूरा ग्राफ टेंजेंट के नीचे है, तो ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड। अब आपके पास कैसे भी ग्राफ आ जाए, बोले भाई ये कैसा होगा, तो हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, दिस इज कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर हमने देखा टेंजेंट ड्रॉ किया, पूरा का पूरा ग्राफ इसके नीचे है, तो ये कैसा हो जाएगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। हमने अगर ऐसा बनाया तो अगर हमने देखा तो भाई ये जो है टेंजेंट इसके नीचे है पूरा का पूरा ग्राफ, तो ये भी क्या हो गया? कॉनकेव डाउनवर्ड। सिमिलरली हमने जो है ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया तो अगर हम देखें तो कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो पूरा का पूरा ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड। अगर हमने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, पूरा का पूरा ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ बना है ना, तो हम उसको देख के तुरंत बता सकते हैं कि वो ग्राफ किस रीजन में कॉनकेव अपवर्ड्स है और किस रीजन में कॉनकेव डाउनवर्ड है। सबसे ज्यादा हमारे पास काम में आने वाली दो चीजें रहती हैं कॉनकेविटी में, एक तो ग्राफ को देख के कॉनकेविटी बनाना और दूसरा कॉनकेविटी का यूज करके ग्राफ बनाना। ठीक है, हालांकि कॉनकेविटी का यूज करके ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा यूज ग्राफ में नहीं होता जब तक ग्राफ थोड़ा सा टफ ना हो, लेकिन ग्राफ को देख के कॉनकेविटी बनाना तो कई बार यूज में आता है। लेकिन कॉनकेविटी के बेसिकली दो चीज़ें अपनी सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। हमारे पास कोई ग्राफ दिया है, उसकी कॉनकेविटी के बारे में देखना कि बताओ भाई इस रीजन में कॉनकेव अपवर्ड है, इसमें कॉनकेव डाउनवर्ड है और इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है उसका जो हम ग्राफ बना रहे हैं, तो उसका हम रीज़न एक इंटरवल पता लगाना कि किस इंटरवल में ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, किस में कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसमें से पहली वाली चीज की ग्राफ देख के अपन कैसे बताएंगे कोई फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड है, इस एप्लीकेशन को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ इस दुनिया में बना हुआ है और बोला गया बताओ ये कर्व यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो आपको कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्यों? पूरा का पूरा ग्राफ उसके ऊपर कॉनकेव अपवर्ड, ग्राफ उसके नीचे कॉनकेव डाउनवर्ड, ग्राफ नीचे कॉनकेव डाउनवर्ड, ग्राफ नीचे कॉनकेव डाउनवर्ड। आपको करना है क्या, उस टेंजेंट पे हाथ रखो और ग्राफ की तरफ जाओ, उस टेंजेंट पे हाथ रखो ग्राफ की तरफ जाओ। अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है तो कॉनकेव अपवर्ड्स, अगर आपका हाथ नीचे आ रहा है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स, अगर आपका हाथ नीचे आ रहा है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स, अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है तो कॉनकेव अपवर्ड्स। देखते ही साथ आपके पास सामने आ जाएगा रिजल्ट कि भाई कोई भी ग्राफ जो हमारे सामने बना है वो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स का ग्राफ है कि कॉनकेव डाउनवर्ड्स का ग्राफ है। अब इसके अपन थोड़े से ग्राफ्स देख लेते हैं भाई, और ग्राफ के बारे में पता देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाई मैंने आपसे एक ग्राफ दिया, ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ है, ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये सी है, ये डी है। इसकी कॉनकेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से सी तक अगर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ इसके नीचे है,
तो अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके c होती है तो हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड है। अच्छा, अगर c से लेके ये अपन इस वाले पॉइंट तक ले लें e, c से लेके e तक अगर अपन आते हैं, x की वैल्यू जो है वो c से लेके e है, तो क्या हो रहा है? कॉनकेव डाउनवर्ड। यहाँ भी कॉनकेव डाउनवर्ड। देखो सीधी सी बात है, ये हमारे पास ये वाला यू बना कॉनकेव डाउनवर्ड वाला, तो माइनस इन्फिनिटी से ई तक हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, ई से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला यू बना है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है। लेकिन अपन इंटरवल में देख रहे हैं ताकि अपन को इंटरवल का ऑब्जर्वेशन क्लियर हो। फिर अपन ई से लेके डी तक आए तो ये कॉनकेव अपवर्ड, डी से लेके इन्फिनिटी तक आए कॉनकेव अपवर्ड। तो इस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। अच्छा पूछते सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है लेकिन ग्राफ तो कॉनकेव डाउनवर्ड ही है ना भाई। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है लेकिन ग्राफ तो कॉनकेव अपवर्ड ही है, सही बात है। तो हम ग्राफ देख के कॉनकेविटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन अगर हम लगा सकते हैं तो हमने कॉनकेविटी की 30% जंग जीत ली। ठीक है, चलिए और देखिए ग्राफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है। अब इसकी कॉनकेविटी के बारे में बात करें अपन, तो इसकी कॉनकेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड, ये कॉनकेव डाउनवर्ड। अच्छा ए पे कैसा होगा, ए पे कॉनकेव डाउनवर्ड होगा कि कॉनकेव अपवर्ड होगा? तो बेसिकली ए पे इसकी जो कॉनकेविटी है वो डिफाइन ही नहीं होगी। अपन देखेंगे आगे जाके क्यों डिफाइन नहीं होगी। तो भाई टेंजेंट ही डिफाइन ना होगी ना, तो कॉनकेविटी कैसे डिफाइन होगी? तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। कोई भी ग्राफ अगर आपके सामने आता है तो आप उसकी कॉनकेविटी के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए अगर हम एक और ग्राफ देखें जिस पे हम वर्टिकल टेंजेंट बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो भाई वर्टिकल टेंजेंट पे कॉनकेविटी के बारे में बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखें तो ये ग्राफ ये इस रीजन में कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स। इस रीजन में हमारे पास ये कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अच्छा ये पॉइंट अगर जीरो है तो इस पे कैसा है, तो इस पे ना ये कॉनकेव अपवर्ड है ना कॉनकेव डाउनवर्ड है। बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अपन आगे जाकर देखेंगे। अभी तो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड आपको फील आना है। ठीक है, चलिए और दूसरा ग्राफ देखें। अगर हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये और ये, यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है x इक्वल टू a पे, तो इस रीजन में ये कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। इस रीजन में कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। मतलब ग्राफ को देख के आप कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड बहुत आराम से बता सकते हैं। अब इन पे कंफ्यूजन होगा, ये जीरो पे कैसा होगा भाई, वर्टिकल टेंजेंट है, ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशियबल है तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस है तो कैसा होगा, तो उस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर अपन छोड़ दें तो एक इंटरवल में जो फंक्शन वो कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है वो अपन ग्राफ देख के बहुत इजीली पता लगाने वाले हैं। हम बहुत ग्राफ देखो आप सीधा बता दो कि भाई हाँ देखो ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, ये कॉनकेव अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया, आप देख के बता सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहली चीज सीखी कि आप ग्राफ देख के कॉनकेविटी के बारे में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से चीज सीख गए। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ग्राफ देखा, ग्राफ से अपन कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड कैसे बता सकते हैं ये अपन ने देख लिया। अगला अपन टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉनकेविटी। भाई कॉनकेव अपवर्ड्स है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉनकेविटी, कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड। तो देखिए भाई होता क्या है, अगर हमारे पास ये फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड्स है तो कॉनकेव अपवर्ड्स का जो मीनिंग होता है, कॉनकेव अपवर्ड्स का मीनिंग होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन हमारे पास है उसमें रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन जो इंक्रीजिंग नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड्स होगा। तो अपन पहले डेफिनेशन लिख लें कि अगर कॉनकेव अप ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉनकेव अप है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अच्छा अगर हम मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करें तो रेट ऑफ चेंज अपन दो तरीके से निकाल देते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट से आ जाता था, और एवरेज रेट ऑफ चेंज स्लो अगर किसी इंटरवल में जो कॉर्ड होता था उस कॉर्ड के स्लोप से आ जाता था। तो बेसिकली
कोई भी किसी भी, ये कौन सी रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफाइन है कि ये एवरेज के लिए डिफाइन है, किसी के लिए भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ले लो, चाहे आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ले लो, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ इसका कॉनकेव अपवर्ड्स ही बनेगा। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए हम पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज देखते हैं, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में चेंज हमने देखा, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई वो कैसा ही है, ये एंगल कैसा ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज है, तो इसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसी है, नेगेटिव। अच्छा, फिर मैंने इस इंटरवल में चेंज देखा, इस इंटरवल में अगर मैंने चेंज देखा तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल कैसा है, एक्यूट है, मतलब इसकी जो स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। अब देखिए जाएगा, जैसे ही एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स इंक्रीज होकर हमने दो कॉर्ड लिए, दो कॉर्ड की जो स्लोप है, स्लोप वो नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो गई, स्लोप नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है वो कैसा, इंक्रीजिंग है भाई। रेट हमारे, ये हमारे पास कैसा था, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो रही है स्लोप, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्लोप ऑफ कॉर्ड से। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि स्लोप जो इस कॉर्ड की स्लोप जो अपन देख रहे हैं वो कैसी इंक्रीजिंग होनी चाहिए। अब इस इंटरवल में हमने देखा तो इस इंटरवल में स्लोप नेगेटिव है, इस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही तो इंक्रीजिंग ही हो रही है ना, इसका मतलब जो है ये इंक्रीजिंग है। अच्छा, अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखते हो तो वो देख लो भाई, अगर हमने कहीं पे टेंजेंट की स्लोप देखी, यहाँ पे देखिए मान लीजिए, तो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब इसकी जो स्लोप है m1 जो है वो कैसी है, नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप ऑफ ये एंगल एक्यूट हो गया, एक्यूट हो गया मतलब ये हमारे पास जो स्लोप है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग हो रही है। आप नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको डायरेक्ट समझ में आया, डायरेक्ट दिखाई दे सामने, इसलिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके मैंने आपको समझाया। तो कॉनकेविटी अपवर्ड्स कब होती है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ कॉर्ड, अब हम इंस्टेंटेनियस पे आ जाते हैं, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब एवरेज एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, सही बात है। और एवरेज एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो देखिए कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग है, एवरेज एक्स इंक्रीजिंग है तो बिल्कुल इंक्रीजिंग है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है मतलब डेफिनेटली इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन का जो ग्राफ हमारे पास कैसा हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड्स हो जाएगा। तो कॉनकेव अपवर्ड्स ग्राफ की अपने डेफिनेशन क्या देखी, अगर कोई ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और उसको अपन ने ग्राफिकली समझा यहाँ पे, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। तो कॉनकेव अपवर्ड्स की डेफिनेशन में समझी, हम कॉनकेव डाउन ग्राफ की, कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर कोई ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अगर कोई ग्राफ आपके पास है और कोई ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउन ग्राफ, तो कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी इंक्रीजिंग। कॉनकेव डाउनवर्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी डिक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो देखिए जरा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई, कौन सी रेट, कोई भी रेट, एवरेज रेट भी ले सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, अगर हमने कहा इस इंटरवल की बात करें, हम ए से लेके बी में, तो इसमें जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगी वो इसकी स्लोप ऑफ कॉर्ड आएगी। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल हो रहा है एक्यूट, एंगल एक्यूट हो रहा है मतलब इसकी जो स्लोप है वो स्लोप पॉजिटिव होगी। फिर अगर मैं इस इंटरवल के बारे में बात करूँ, ये इंटरवल मान लीजिए सी से लेके डी है, तो इस इंटरवल में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास अगर निकालेंगे तो हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। ये जो एंगल हमारे पास है, एंगल ऑब्टूज है, ये एंगल ऑब्टूज है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब अगर किसी आइटम की वैल्यू पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव हो गई है, अगर किसी चीज़ फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब जो स्लोप ऑफ
जो कॉर्ड हो रहा था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड डिक्रीजिंग है। स्लोप ऑफ कॉर्ड ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ फंक्शन चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो ग्राफ जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड तो अपन को दिख ही रहा है। आप इंस्टेंटेनियस भी देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे एक स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये एंगल एक्यूट है, तो इसकी जो स्लोप हमारे पास है वो पॉजिटिव है। अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो यहाँ पे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, तो इस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है वो नेगेटिव है। अब अगर कोई फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब वो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कौन सा फंक्शन, m वाला फंक्शन। m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कैसा है, वो डिक्रीजिंग है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन डिक्रीजिंग, ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड दिख ही रहा है अपन को। इसका मतलब ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी डिक्रीजिंग, ये बिल्कुल सत्य वचन है। तो ये अपन ने इसकी डेफिनेशन समझ ली, नोट कीजिए भाई। चलिए भाई, तो अपन अब अगले टॉपिक पे आते हैं। बोला है भाई मैथमेटिकल मेथड है क्या होगी कॉनकेविटी ऑफ फंक्शन बताने के लिए। हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी मैथमेटिकल मेथड हम क्या होगी, कैसे हम मैथ्स का यूज़ करो, डिफरेंशिएट करो, जो भी करना है करो और बताओ बिना ग्राफ देखे कि ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो बेसिकली इसका मेथड का यूज़ कब होगा, जब अपन ग्राफ बनाएंगे। हमें बस बस कोई ग्राफ दिया है और हमें कॉनकेविटी बताना है तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, अपन उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो हमें उसकी कॉनकेविटी भी तो बतानी पड़ेगी ना, यूज़ होगा कॉनकेविटी ग्राफ में। तो उसके लिए तो आपको कोई मैथमेटिकल मेथड चाहिए ही चाहिए। तो उस ऐसी मेथड का अपन यहाँ पे देखेंगे भाई, कैसे मेथड का यूज़ होता है, कौन सी मैथमेटिकल मेथड का यूज़ होता है कॉनकेविटी बताने के लिए। सोचिए जरा मैथमेटिकली, अपन खुद सोचें कि मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन का ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड है, पक्का पता है ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है। अगर ये ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई हो क्या रहा है, डेफिनेशन क्या थी कॉनकेव अपवर्ड्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग को अपन ने ज्योमेट्रिकली देखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग। और अगर मैथमेटिकली अपन देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब किसी पॉइंट पे एवरेज एक्स की वैल्यू, मतलब द फंक्शन एवरेज एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर एवरेज एक्स इंक्रीजिंग है, इतना क्लियर हुआ भाई। कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या था, मतलब क्या, बिल्कुल बेसिक चीज है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन को बनने का भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस चीज का रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली, एफ डैश एक्स, किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश एक्स को। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। ओके, अब एक चीज क्लियर हो गई कि अगर कॉनकेव अपवर्ड है किसी इंटरवल में, मतलब उस इंटरवल में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। सही बात, पता है ना ये तो अपन को, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, अगर आपसे बोला जाए भाई किसी इंटरवल में फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है तो आप क्या बोलोगे, बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज होना चाहिए। और जाओ वही सस्ते में क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। और सस्ते में बोलो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं किसी इंटरवल में फंकशन कॉनकेव अपवर्ड्स हो रहा है, मतलब उस इंटरवल में उस फंक्शन की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बस सिमिलरली अगर कोई फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में कैसा होता है, नेगेटिव। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन है,
हमें उसकी कॉनकेविटी चेक करनी है, तो हम उसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, और हम देखेंगे किस इंटरवल में एफ डबल डैश एक्स उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है और किस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा है। जिस इंटरवल में उसका डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, फंक्शन कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड्स, और जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। वाह, बड़ा सस्ता आइटम हो गया। तो कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, बोले बताओ भाई कॉनकेव अपवर्ड कब होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, कैसे बताऊंगे, ग्राफ नहीं दिया है, फंक्शन दिया है, तो हमें डोमेन तो उसका पता ही होगा ना, डोमेन में ही कॉनकेविटी की बात होती है, अपन ने डोमेन निकाल लिया है, गिवन नहीं है, तो फिर हमने उसको डबल डेरिवेटिव किया, और डोमेन के जिस इंटरवल में उसका डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव हो रहा था, वहां पे फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा, और डोमेन के जिस इंटरवल में उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा था, तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। इस तरीके से अपन मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन को डबल डेरिवेटिव का साइन देख के उसकी कॉनकेविटी के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए फिर नोट कीजिए यहां तक। चलिए भाई, अगला टॉपिक हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब अपन ग्राफिकली बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकली में हमने देखा कि कोई फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है और कोई फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है। एक फंक्शन था जो केवल कॉनकेव अपवर्ड था, एक फंक्शन था जो केवल कॉनकेव डाउनवर्ड था, लेकिन एक फंक्शन ऐसा भी था जो कभी कॉनकेव अपवर्ड हो रहा था और कभी कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा था। तो भाई जब कोई फंक्शन कभी कॉनकेव अपवर्ड और कभी कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, तो उस बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो अपनी कॉनकेविटी चेंज करेगा। सही बात है भैया, कोई फंक्शन आइदर और केवल कॉनकेव अपवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं भाई तेरे को, तो कॉनकेव अपवर्ड है। अगर कॉनकेव डाउनवर्ड केवल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड भी है और कॉनकेव डाउनवर्ड भी है, तो एक पॉइंट आपको वैसा मिलेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज होगी, और जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज होगी उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। कहेंगे जरूरी नहीं है, एक दो कंडीशन और होती है साथ में, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा कंडीशन क्या होगी। तो भाई देखो, अगर मैं इस ग्राफ के बारे में बात करूं, तो यहां पे देखो ये जो वाला जो हमारे पास पॉइंट दिख रहा है ए, यहां तक तो कॉनकेव अपवर्ड था ग्राफ, यहां तक, इसके बाद कॉनकेव डाउनवर्ड था। ये जो पॉइंट ए था, इस पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए पर जो भी वाई की वैल्यू होगी ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट था ए कॉमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपनी कॉनकेविटी चेंज कर दी। इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपनी कॉनकेविटी चेंज कर दी, समझ आ रहा है? इसके पहले कॉनकेव अपवर्ड, इसके बाद कॉनकेव डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट पे फंक्शन ने अपनी कॉनकेविटी चेंज कर दी। तो ये वाला पॉइंट जिस पे फंक्शन ने अपनी कॉनकेविटी चेंज की है, वो वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, अगर अगर वो दो कंडीशन को फॉलो करे। पहली कंडीशन की वो पॉइंट एक्स, फंक्शन एक्स इक्वल टू रहते कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, x इक्वल टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन केवल इससे नहीं मिल जाएगा कि भाई आपकी जो है केवल कॉनकेविटी चेंज हो रही, नाम दे दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो वहां पे कॉनकेविटी फंक्शन की चेंज हो रही परम सत्य वचन है, परंतु दो कंडीशन फॉलो करेगा। पहला, फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस हो रहा है, सही बात है। दूसरा, उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो, मैंने टेंजेंट एग्जिस्ट करना बोला, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बोला, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में जो वर्टिकल टेंजेंट है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल माना जाता है। तो टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब डिफरेंशिएबल हो या फिर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करे, दोनों में से कोई भी एक काम। तो पहली बात तो यहां पे अगर अपन ने देखा तो इस ग्राफ में यहां पे फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरी बात, यहाँ पे टेंजेंट ही बड़े सुंदर तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो पॉइंट हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए पे, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ए कॉमा एफ ऑफ ए, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस फंक्शन। आई बस समझ में? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन ये हुई कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, तो कोई पॉइंट अगर हमारे पास है a कॉमा एफ ऑफ a, या कोई पॉइंट है, देर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू a, तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा अगर, मगर, डगर, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा इफ फंक्शन इज, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सी फॉर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए।
if there exists a tangent at x equal to a. देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब वर्टिकल टेंजेंट हो या फिर डिफरेंशियबल हो, मतलब वर्टिकल टेंजेंट भी आ गए यहाँ पे. और तीसरा हमारे पास है कॉनकेविटी चेंज एट एक्स इक्वल टू ए. इफ कॉनकेविटी चेंज एट एक्स इक्वल टू ए, तो अगर कोई फंक्शन है कि एक्स इक्वल टू ए पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो केवल कॉनकेविटी चेंज हो जाए ऐसा ना मान लेना. केवल कॉनकेविटी चेंज हो जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, गलत बात. तीन कंडीशन है भाई साहब उस पॉइंट पे. सबसे पहली बात, कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पे, टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, चौंच नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए. तीसरी चीज जो है, उस पॉइंट पे फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज होना चाहिए. कॉनकेविटी चेंज होने वाली कंडीशन नंबर तीन है, पहले ये दो देखनी पड़ेंगी आपको, तब उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. तो नोट कर लीजिए यहाँ तक. चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ से समझते हैं अपन. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन था. अगर ये एक फंक्शन था तो एट एक्स इक्वल टू ए जो है ये पॉइंट था. क्या ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है भाई? इस पे कंटिन्यूस है, इस पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल दोनों कंडीशन. कॉनकेविटी चेंज हो रही है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है. तो यस, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दूसरा, अगर मैं ग्राफ देखूं, मैं कहूं भाई ऐसा हो रहा है कि ये जो है थोड़ा सस्तन बन गया. ऐसा हो रहा है कि अगर ये तो भाई ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ था, ये पॉइंट x इक्वल टू ए था, लेकिन इस पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. देखो भाई x इक्वल, ये यहाँ पे a पे कॉनकेविटी चेंज हो रही है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और यहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है. कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? नो, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तीसरा देखो भाई, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये और ये, एक्स इक्वल टू ए पे आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे कॉनकेविटी अपवर्ड है, यहाँ पे कॉनकेविटी डाउनवर्ड है, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूस भी है, बट एक्स इक्वल टू ए पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉन डिफरेंशियल, शार्प कॉर्नर, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? नहीं होगा. फोर्थ ग्राफ देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये कुछ ऐसे और ऐसे, ये एक्स इक्वल टू ए है, इस पर आप देखिए, तो यहाँ पे कॉनकेविटी अपवर्ड है, यहाँ पे कॉनकेविटी डाउनवर्ड है. इस वाले पॉइंट पे अगर अपन देखें तो कंटिन्यूस है और वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या इस वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? यस, होगा. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखिए कि कॉनकेविटी चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य वचन है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए और देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब है डिफरेंशियबल हो या फिर नॉन डिफरेंशियबल, में केवल वर्टिकल टेंजेंट वाला केस माना जाएगा. तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन का उस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर कैसा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, बस एक पॉइंट होगा. ठीक है, नोट कीजिए भाई. चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. हमारे पास एक फंक्शन है एक्स का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10. बोले भाई ग्राफ बनाओ इसका आप, है ना. अब ग्राफ बनाओगे सब यूज हो जाएगा उसमें, मोनोटोनोसिटी भी यूज हो जाएगी, कॉनकेविटी भी यूज हो जाएगी, सब यूज हो जाएगा. तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका. तो सबसे पहली बात तो हम इसके डोमेन के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डोमेन इसका गिवन ही नहीं है. अगर ग्राफ बना रहे हो तो कोई फंक्शन गिवन है तो उसकी पहले डोमेन के बारे में बात करो भाई, किस इंटरवल में बनाओगे. तो अगर हम देखें तो इसका जो डोमेन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका जो डोमेन हमारे पास है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया. चलिए भाई अब हम क्या करें, हम सबसे पहले इसकी मोनोटोनोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं. अगर हम एवरेज x की बात करें तो एवरेज x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4x क्यूब माइनस ऑफ 12x स्क्वायर. अगर हम एवरेज x के बारे में बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 3. अच्छा, अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं, है ना, एवरेज x को जीरो, तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी और 3 पे इसकी वैल्यू जीरो होगी. तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी और 3 पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जीरो पे भी बनेगा और 3 पे भी बनेगा, है ना. जीरो पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा और 3 पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा. लेकिन यहाँ पे हम देखें x का पावर 2 है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर पर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो जो साइन का डिसाइड करेगा वो x माइनस 3 करेगा.
तो 3 से बड़ा नंबर रखने पे पॉजिटिव, 3 से छोटा नंबर रखने पे नेगेटिव होगा। मतलब इस तरफ जो है एवरेज x का साइन पॉजिटिव होगा और इस तरफ एवरेज x का साइन नेगेटिव होगा। मतलब जो फंक्शन हमारे पास है वो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इन दोनों जगह हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमारे पास आएगी। तो ये अपन ने इसकी मोनोटोनोसिटी के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले इसको अपन नोट कर लेते हैं साइड में, ये हमारे पास है जीरो, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लें भाई, ये थ्री, यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग। फिर हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला। अब एफ डबल डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12x² और माइनस आ जाएगा 24x। अगर 12x कॉमन ले लें तो ये 12x(x-2), तो हमें दिख रहा है कि ये जीरो कब होगा, जीरो पे और टू पे। मतलब एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी और एफ डबल डैश ऑफ टू की वैल्यू जीरो होगी। सही बात है। अच्छा देखो, ये तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस डिफरेंशियबल हमेशा हो गई, तो ये दोनों हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा वो आ जाएगा x=0 पे और 2 पे। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसे ग्राफ बनाना चाहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन ने निकाल दिया, मोनोटोनोसिटी निकाल दी, इतना नोट कर लीजिएगा, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। किस किस पे निकालें, जीरो पे निकालो, थ्री पे निकालो, टू पे निकालो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकालो। एफ ऑफ जीरो अगर देखेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। टू अगर देखें, एफ ऑफ टू निकालें तो 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 3 8, 8 × 4 32 +10। तो अगर हम एफ ऑफ टू की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 26 -32 मतलब -6, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू -6 आएगी। एफ ऑफ थ्री के बारे में बात करें, 3 का पावर 4 81, ये जाएगा 4 × 27 +10, ये हमारे पास एफ ऑफ थ्री है। तो एफ ऑफ थ्री के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 91 और 25 × 4 = 108, 108। सही बात है भाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा -17, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू हमारे पास -17 आ जाएगी। ये वैल्यूज अपन ने निकाल ली। अच्छा, इन्फाइनाइट पे अगर अपन देखेंगे तो इवन पावर है, तो इन्फाइनाइट का पावर इवन इन्फाइनाइट, और माइनस इन्फाइनाइट का पावर भी इवन है तो वही प्लस इन्फाइनाइट। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी होगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अच्छा, कॉन्केविटी के बारे में अगर हम देखें, अपन ने क्या देखा था, एफ डबल डैश एक्स की जो अपन ने वैल्यू निकाली थी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास क्या आई थी, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 12x × x-2, है ना, यही है ना। तो यहाँ पे अपन ने देखा था जीरो और टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो में कॉनकेव अपवर्ड्स, यहाँ भी कॉनकेव अपवर्ड्स और यहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड्स, और यहाँ जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और यहाँ भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। चलिए अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, बड़े सुंदर तरीके से दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, ग्राफ बनाते हैं, लीजिए अब देखेगा। तो पॉइंट्स अपन क्या क्या ले लें, जीरो, टू और थ्री, ये ले लेते हैं। जीरो पे वैल्यू क्या है, 10, तो जीरो पे जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 10। और वन, टू पे वैल्यू कितनी है, -2, तो 2 पे ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये आ गई -2। 3 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -17, तो 3 पे जो वैल्यू हमारे पास है ये है -17। इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले 0 तक कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो भाई यहाँ तक कॉनकेव अपवर्ड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने का ये तरीका हो गया, है ना भाई। या तो ऐसा आ सकता था या ऐसा, कॉनकेव अपवर्ड मतलब ये। अब जीरो से लेके, देखो जरा, जीरो से लेके टू तक कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। जीरो से लेके टू तक जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो जीरो से लेके टू तक जो है वो, अच्छा इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, है ना, जीरो से लेके टू तक अपन देखें तो जीरो से लेके टू तक ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। फिर टू से लेके थ्री तक कॉनकेव अपवर्ड है, टू से लेके थ्री तक कॉनकेव अपवर्ड है, और थ्री के बाद जो है
वी कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ध्यान दीजिए भाई, देखो जरा, अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, माइनस इन्फिनिटी जीरो तक कॉनकेव अपवर्ड है, जीरो से लेकर टू तक कॉनकेव डाउनवर्ड है, और टू से इन्फिनिटी, तो टू से थ्री और थ्री से इन्फिनिटी कॉनकेव अपवर्ड हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। और अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखें तो हमारे पास जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके थ्री तक ये डिक्रीजिंग है, और थ्री से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग है। ये थ्री पे अपना हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। अच्छा देखो, जीरो पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा था, तो इसका जो ग्राफ यहाँ पे आएगा ना, थोड़ा सा सस्ते में अपन ने बना दिया था, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टाइप का आएगा, मतलब ऐसा आएगा और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी ये, और फिर ये ऐसा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, नोट कर लीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? आज अपन ने कॉनकेविटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कॉनकेविटी की ग्राफ से देख के अपन कॉनकेविटी कैसे बताएंगे वो पढ़ लिया, कॉनकेविटी की डेफिनेशन क्या होती है, कॉनकेविटी कैसे बताई जाती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, और अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसकी कॉनकेविटी के बारे में कैसे बताते हैं, किसी फंक्शन के ग्राफ में कॉनकेविटी का यूज़ कैसा होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जो अपन करेंगे अगली क्लासेस में, जब अपन क्यूबिक इक्वेशंस के ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। तो फिर चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।